बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि काबा शरीफ में जो वीडियो वायरल हुई थी, यानी कि इमाम काबा के मुतल्लक, वो आप हजू ने अब तक नेट पर देख ली होगी। मैंने भी उसके मुतल्लक आपके साथ तफसील से एक वीडियो शेयर कर चुका हूं। कुछ बंदे बोल रहे थे, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इस बंदे की यानी कि कंट्री स्टे, यानी कि किस कंट्री का है, और जो इसको पकड़ने वाला सबसे पहले इसको जिस छूटते ने पकड़ा है उसकी भी यहां पर आपको पिक्चर दिखा देता हूं, उसका नाम भी बता देता हूं उस बहादुर आदमी का। सबसे पहले जो बंदे बोल रहे थे, मैंने कुछ वीडियो देखी थी कि ये एक पाकिस्तानी है, उसके मुताबिक मैं आपसे पहले ही क्लियर एक वीडियो में कर चुका हूं कि ये बंदा पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं था। यहां पर आपको मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं इससे मुताबिक, यानी कि सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रखे होंगे। मैं आपको भाई पढ़कर भी सुना देता हूं। तहकीकात अल औलिया मशहूरत अल आसमा मुकद्दसा तो अकबान अल जानी अल जी हावल अल सऊद अल मिंबर अल हरम अल मकी खिलाल खुतबा अल जुमा यौम अल अम्स मवातन अरबाइन व कान यद ई अन अल महदी अल मुंतजर अल वतन अखबार की तरफ से यह ट्वीट जारी कर दिया गया है। यहां पर नीचे सबसे नीचे आप देख रखे होंगे अल महदी अल मुंतजर, ये बंदा सऊदी शहरी ही निकला है। 40 साल इसकी गालबन उम्र बताई जा रही है, लेकिन उम्र के मुताबिक तो कुछ डिटेल नहीं सामने आ रही है मुकम्मल तफसील के साथ, लेकिन 40 साल का बताया जा रखा है, एक सऊदी बताया जा रखा है। और इसके हाथ में स्टिक थी, यानी कि छड़ी थी जब ये मिंबर की तरफ लपका है, और जो इब्तदाई तहकीकात आ रखी है उसमें यही बताया जा रखा है कि ये बंदा मिंबर के ऊपर जाकर मुंतजर मेहदी यानी कि इमाम मेहदी के मुतल्लिक नाराबाजी करना चाहता था। जब इसे पकड़ा गया उस वक्त भी ये यही नारेबाजी कर रहा था। यहां पर अब मैं वो आपको शूटे की पिक्चर भी दिखा रखा हूं जिसने सबसे पहले इसे पकड़ा था, उसका नाम आप देख रखे होंगे। यहां पर मैं आपको उसी पिक्चर दिखा रखा हूं, मोहम्मद अली अल जहरानी इसका नाम बताया जा रहा है। इस शूटे ने सबसे पहले इस बंदे को पकड़ा था। अभी तक की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसके मुतल्लिक, लेटेस्ट क्या है भाई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यही है, यह बंदा सऊदी था और इसका मुंतजर अल महदी, महदी के अमामे महदी के नारे लगा रखा था, मिंबर की तरफ लपका है। स्टिक के मामले में कहा जा रखा है कि हो सकता था ये इमामे काबा को कोई नुकसान पहुंचा सकता था।